चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अब हालात ये है कि नमक की रोटी भी खानी मुश्किल हो रही है, सब्जी से तो खाएंगे क्या? कमी जो फील्ड के जो अधिकारी है उन्हीं के अंदर कमी है, सिस्टम में आप कहना सिस्टम में कमी है। आप कब से मन करेगा आपके काम करते हो, कितने साल आप काम करते हो? ये तो हमारे दादा परदादा के पता नहीं कितनी पीढ़ी गुजर गई इसी काम में बन तो। हाँ, कितना पैसा आप इस काम में कमा लेते हो बुनकरी? अब तो जब से लॉकडाउन लगाया जब से तो कुछ भी नहीं कमा रहे, जो कच्चा माल है वो सारा पड़ा है, आगे माल खरीदने रहा और काम बंद हुआ पड़ा बिल्कुल, अब दूसरा काम मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास पावर लूम नहीं है, ये हेड लूम है, नीचे ही खड्डी है गड्ढे वाली। तो आप पावर लूम क्यों नहीं लगा पाए, मतलब पावर लूम में जल्दी काम होता है या इसमें जल्दी होता है? पावर लूम इसलिए लिया लगाया कि एक तो बैलेंस नहीं है, अब जो थोड़ा घना जो पैसा उधार लिया था लोगों से और काम जोड़ा था ये, और ये काम जो है लॉकडाउन के उससे बंद हो गया, कच्चा माल देखो ये लग रहा सारा और कुछ इधर लग रहा है, खड्डिया बंद पड़ी है कोई, अब क्या करें? अब हालात ये है कि नमक की रोटी भी खानी मुश्किल हो रही है, सब्जी से तो खाएंगे क्या? सरकार की नीतियाँ तो कहती है कि बुनकरों के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ बुनकरों को आर्थिक रूप से मदद की जाती है, लोन वगैरह दी जाती है, ये कितना हकीकत है जमीन पर? अगर आप बुनकरों के नाम का यहाँ देखोगे कस्बा गांव गंगेरू में जिला श्यामली में तो आपको बस मुश्किल से 5% आपको ये मिलेगा। अब आप देख लो, बस 5% वो भी मिल गया तो आपको नहीं, वो भी नहीं मिल पाएगा। बुनकर कार्ड बना हुआ है आपका जो? नहीं, बुनकर कार्ड बना हुआ नहीं है, कई दफ़े अप्लाई भी करी लेकिन नहीं बन पाया हमारा बुनकर कार्ड। मुझे GST बनवानी थी, अब सही तो कुछ है ना, बाहर भेजने में माल मैं खुद डर रहा हूँ। दरी है, डोरमेट जिन्हें बोलते हैं, एक दरी है, बेड शीट भी बनती है यहाँ पे, इस तरीके के कितने काम, एक सोफे की पट्टी भी बनती है, काफ़ी लंबा काम है। दो खड्डी पे लगभग 5 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, 2 बुनाई करने वाले हो गए, बुनने वाले, बाकी का धागा का काम निपटाते हैं जो घर में सुलझाने का काम करते हैं। इसमें कच्चा माल जो है हम यहाँ पास से ही पानीपत से उठा के लाते हैं और यहाँ आके उसे जो है मजदूरों को लेबर को लगा के जो धागा छटाई करवाते हैं, बाद में घर के भी आदमी उसमें काम करते हैं और बाद में जो है बुनाई करने वाला बुनाई करता है, तैयार माल जब हो जावे तो वापस जो है मार्केट में भेजना पड़ता है। बाकी पैसों की आवश्यकता के अनुसार यदि पैसे का बजट ठीक है तो बुनकर जैसे बाहर भेज सकते हैं, और जब पैसे का अभाव है, कमी है पैसे की, तो बुनकर जो है पानीपत में ही माल बेचेगा क्योंकि नज़दीक है, खर्च कम पड़ता है। और कभी कभी इतनी कम आ जाती है, हमारे कुछ भाई बुनकर और भी है कि जो मार्केट तक भी नहीं जा पाते, वे यहीं पे दे देते हैं सस्ता माल, उससे उनका पूरा नहीं पड़ता, लेकिन जो है अपना एक पेट चलाने के लिए बुनकर को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
लॉकडाउन का बहुत गहरा असर पड़ा बुनकरों पे, क्योंकि बुनकर का काम जो है इसी पर आधारित है, और छोटे बुनकर बिल्कुल दो दिन का माल तैयार करके मार्केट में उतारते हैं बाजार। जिसके घर में माल बना था वो वहीं रखा रहा, और जब निकल रहा तो स्टॉक के हिसाब से निकल रहा तो वहाँ बहुत मार्केट मंदी थी, बुनकर नुकसान में चले गए इससे। वो कमी कहाँ दिखाई देती है आपको, छोटी सी अगर बात करें? कमी जो फील्ड के जो अधिकारी है उन्हीं के अंदर कमी है, सिस्टम में आप कहना? सिस्टम में कमी है। Thank you.